देखिए वहाँ क्या ना कि एक जमींदार है गांव का, जमींदार लालू प्रसाद यादव, हाँ। और कांग्रेस है रियाया। अब जमींदार साहब अपना पैर पसार देते हैं और रियाया को उनके पैर दबाने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राजद के गोद में बैठ गई है, राजद की गोद में, हाँ, उसके चरणों में, लालू जी के चरणों में है। कांग्रेस में काम करने का मतलब राजद के लिए काम कीजिए। कांग्रेस आज उन्होंने कन्हैया कुमार को NSUI का प्रभारी बना दिया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? संपर्क में तो लोग हैं ही, लेकिन अब लोग बचे कहाँ हैं वहाँ? हाँ। कहाँ है कांग्रेस है कहाँ? लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार कांग्रेस को जो है चुनाव के बीच में ही बड़ा झटका मिला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर के BJP में आए हैं। अभी हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, आप भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर के BJP में आए हैं, क्या कहिएगा? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राजद के गोद में बैठ गई है, राजद की गोद में, हाँ, उसके चरणों में, लालू जी के चरणों में है। हाँ। और कांग्रेस में काम करने का मतलब राजद के लिए काम कीजिए। कांग्रेस में अगर काम करते हैं तो राजद के लिए काम कीजिए, क्योंकि राजद के ही गाइडलाइन पर कांग्रेस को चलना पड़ता है। बिहार में सारा टिकट लालू जी ने पहले ही बांट दिया और जो चाहते हैं लालू जी वो कांग्रेस करती है। तो ऐसे में जो स्थिति थी जंगल राज की, वही स्थिति बनते जा रही है। लालू जी ने जो टिकटें दिए हैं, देखिए कैसे कैसे बाहुबलियों को, कैसे लोगों को पकड़ के ला के दिया है, और कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर पूरी तरह से है। तो हमें लगा कि देश हित और राज हित में इसमें काम करना मुश्किल है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी उसे भटक गई है। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता थे पहले, उनकी विचारधारा देखिए वामपंथ की ओर ले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, पूरी तरह से देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। वामपंथ इसी में समाप्त हो गया पूरे देश से। आज उन्होंने कन्हैया कुमार को NSUI का प्रभारी बना दिया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कन्हैया कुमार पर क्या आरोप था कि इन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, सौ सौ टुकड़े होंगे भारत के, नारा लगाने का समर्थन करने वाले लोग। NSU में पहले भी आप भी रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं NSUI के बिहार के, वैसे लोगों को नहीं बनाया राहुल गांधी ने, जो NSUI के कैडर हैं। तो ऐसे लोगों को बना रहा है जो देश का हित करना चाहता है, देश के टुकड़े करना चाहता है, देश को क्षति पहुँचाना चाहता है, वैसी विचारधारा को राहुल गांधी छात्रों पर, युवाओं पर लादना चाहते हैं। तो कोई भी सभ्य आदमी जो भारत का हित ऐसी होगा, राष्ट्र का जो सम्मान करेगा, राष्ट्र भक्त होगा, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं काम कर सकता है। और निश्चित रूप से हमने इसी कारण कांग्रेस पार्टी का त्याग किया है। और आज जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम बोल रहा है, पूरी देश की जनता उनको सलाम कर रही है और सारे लोग खींचे हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से राष्ट्र हित और देश हित की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और देश के विकास की बात करती है। आज देश काफ़ी मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए हम लोग को भी लगा कि इसमें हम लोग को भी मजबूती देना चाहिए, इसके प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। आज सैकड़ों बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के, फिर कांग्रेस छोड़ करके आज भाजपा में शामिल हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस छोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अभी कांग्रेस में थे? हाँ जी, कांग्रेस में प्रवक्ता थे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों छोड़े कांग्रेस का छोड़ने का? देखिए वहाँ क्या ना कि एक जमींदार है गाँव का, जमींदार लालू प्रसाद यादव, हाँ। और कांग्रेस है रियाया। अब जमींदार साहब अपना पैर पसार देते हैं और रियाया को उनके पैर दबाने पड़ते हैं। कांग्रेस की बड़ी मुश्किल है साहब बिहार में, बिहार में जमींदार साहब पैर पसार दें और सारे कांग्रेसी उनके चरणों में बैठ के पैर दबाते फिरे, तो ये तो स्वाभिमानी आदमी नहीं कर सकता ना। जिसका भी आत्मसम्मान बचा है वो कम से कम ये नहीं करेगा कि राजनीति करने के लिए जाके किसी के पैर दबाते फिरे। तो आत्मसम्मान से समझौता नहीं हुआ, आ गए भाजपा में। इससे पहले आपके पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी जो है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे। बहुत लोग आए हैं इधर, तो लगातार लोग आए हैं और अभी भी कई लोग आएंगे। आप लोग के संपर्क में हैं? संपर्क में तो लोग हैं ही, लेकिन अब लोग बचे कहाँ हैं वहाँ? हाँ। कहाँ है कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस नहीं है। जाके दफ्तर में 5 आदमी का वीडियो हमको दिखा दीजिए। अभी मेरे साथ चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। 5 आदमी मिल जाए सदाकत आश्रम में तो बता दीजिए। अब बचे खुचे जो भी एकाध लोग हैं अपना घूम टहल रहे हैं, इधर उधर अपना दरबार में जाकर पैर वैर दबा रहे हैं। स्वाभिमान से जीने वाला एक आदमी भी वहाँ आपको अब नहीं मिलेगा। चलिए, स्वाभिमान से जीने वाले व्यक्ति जो है वहाँ एक भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी अब कांग्रेस छोड़ करके BJP के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आपको बता दें कि बीच लोकसभा चुनाव में जो है बिहार कांग्रेस में ये बड़ा फेरबदल हो रहा है। कांग्रेस के कई नेता जो है वो
कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें इसकी इन्होंने साफ तौर पे विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि देखिए कांग्रेस बिहार जो है वो लालू यादव के ऊपर जो है वो काम कर रही है, उनके जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं वो लालू यादव के देन पर दिए गए हैं। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।